वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार एमएसपी पर बिल लेकर आए, अगर कोई कम पर फसल खरीदता है तो सजा का प्रावधान हो, एमएसपी की गारंटी मिले। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं। देश भर से कई राज्यों से किसान नेता यहां मुलाकात के लिए आए और अपने सुझाव दिए। उस समय भी मैंने कहा था अगर तीन ही ऑर्डिनेंस लाते हैं जो आज बात हुई है तो चौथा ऑर्डिनेंस और ले आए कि कोई भी एमएसपी से कम खरीदता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो यही मतलब है, जैसे एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी चाहे मंडी में खरीदे, सरकारी खरीद हो या कोई प्राइवेट खरीद हो, उससे कोई कम ना खरीद सके, ये इनकी बेसिक मांग है। और बहुत सारी बातें हैं जो विचार हुआ है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे किसान के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी हो वो किसान का अहित ना करे। किसान का कई दफा होता है भाई एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट की जरूरत है तो एक्सपोर्ट की जरूरत है, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो डिस्ट्रेस सेल किसान करनी पड़ती है, इंपोर्ट की जरूरत है जबरदस्ती इंपोर्ट हो जाती है तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि शिविर में मैं कन्वीनर हूँ और हमारे अखिलेश जी हमारे साथ सदस्य हैं, ये प्रमुख सदस्य हैं वहाँ बहुत, तो इनका सबका जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो ये आए हैं, इन्होंने अपने सुझाव दिए और बड़ी मजबूती से इन्होंने किसानों की बात रखी है। और वो सारी बहुत सारी स्टेटों से आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, कर्नाटक से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से, मुख्य मुख्य स्टेटों से